गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आप लोगों को मॉरल साइंस का होमवर्क देने वाले हैं। आज 13 तारीख है और दिन बृहस्पतिवार है, सुबह का 10 बजा है। और देखिए मॉरल साइंस में यूकेजी के बच्चों को मॉरल साइंस फर्स्ट, जिसका किताब का नाम है सदाचार की बातें भागे, इनमें इनकी किताब में 12 अध्याय है। 2 अध्याय को मैंने दिया है मीठी बोली बोलो हम सर्वोत्तम है। 2 चैप्टर को अपनी किताब से अच्छे से पढ़ना है, पढ़ के समझना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बनाना है कॉपी पर। फिर क्लास 1 के बच्चों को किताब का नाम है सदाचार की बातें भाग 2, ये आत्मसंयम पहला पाठ है और दूसरा पाठ है बुद्धिमान बनेगा, ठीक है। इसमें टोटल 12 अध्याय है, जिसमें 2 अध्याय का आप लोगों को होमवर्क बनाने के लिए किताब में कहानी जो दिया गया उसका अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तब उस पर क्वेश्चन आंसर बनाना है। दूसरा क्लास के बच्चों को नैतिक में किताब का नाम है सदाचार की बातें भाग 3, इसमें पहला पाठ है धैर्य के लाभ और दूसरा पाठ का नाम है उन्नति का मूल मंत्र। इसमें टोटल 13 अध्याय है, 2 अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और क्वेश्चन आंसर बनाना है। नैतिक शिक्षा फर्स्ट सदाचार की बातें क्लास 3 के लिए है। पहला चैप्टर अमूल्य संपत्ति और दूसरा चैप्टर स्वर्ग का द्वार, अपने से पढ़ना है और अपने से समझना है और उसमें का क्वेश्चन आंसर को खुद से बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। चौथा क्लास और 5वां क्लास का नैतिक शिक्षा जो है सेम है, यानी एक समान है। आप लोगों को किताब का नाम है सदाचार की बातें भाग 5, ये नैतिक फर्स्ट है। पहला अध्याय का नाम है सबसे बड़ी चीज, दूसरा अध्याय का नाम है आत्मविश्वास। इसमें टोटल 12 अध्याय है, इसमें जो कहानी रहेगा आप सभी पढ़िएगा अच्छे से, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा। पढ़ने के बाद कोई शब्द यदि समझ में आए अंडरलाइन कीजिएगा, घर में टीचर है टीचर से पूछिए, नहीं टीचर है तो मम्मी पापा से पूछिए, यदि मम्मी पापा नहीं बताते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मानी की जो सब नहीं आता है उसको सेंड कीजिए, फिर मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से अपने से पढ़िए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के वजह से ना आप हमारे यहाँ आ सकते हैं ना हम आपके यहाँ जा सकते हैं। इसी तरह अलग अलग विषय होगा, आप लोगों को कुछ कुछ होमवर्क देंगे और आप लोग जो है प्रत्येक दिन जो है थोड़ा पढ़िए। मान लीजिए 2 चैप्टर दे रहे हैं तो पहला चैप्टर को सुबह में पढ़ लीजिए बना लीजिए, दूसरा चैप्टर को संध्या में पढ़िए, सुबह 2 घंटा पढ़िए, शाम 2 घंटा पढ़िए, इस तरह से आप लोगों का होमवर्क रेडी हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चे, मन लगाकर पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मास्क लगाकर रखिए, ठीक है। और सरकार के द्वारा जो बताया गया नियम है उसको पूरा पालन कीजिए, ठीक है। और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहना है और मास्क एनी टाइम लगाना है, ठीक है। घर से बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है और मन लगाकर पढ़ना और धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ना। बेस्ट ऑफ लक।